Now listen to me very very carefully guys. आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ठीक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है गाइस। इसमें कम से कम मैं मुझे लगता है 4-5 लेक्चर्स लेंगे हमें। दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। अभी 12th का पार्ट चालू हुआ ना? हाँ, ऐसे पकड़ के चल सकते हो बिकॉज मैंने तुम्हें पहले ही बोला है कि ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में तुम्हारा 11th और 12th के दोनों मिक्स कर दिए उन्होंने चैप्टर्स। तो अभी ये पकड़ के चल सकते हो कि अगर आप 12th का पकड़ना चाहते हो लास्ट ईयर के पोर्शन के हिसाब से, तो आज वो 12th का चैप्टर शुरू होगा। वैसा कल तक आपका 11th, कल तक लास्ट लेक्चर जो था वो 11th तक था, टर्मिनल वेलोसिटी तक। वो स्टॉक्स थ्योरम, फिर टॉरसल, नॉलेज, ये सारे 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 वो तुम्हारे 11th के ही थे ठीक है। ओके सुनो, बिगिन गाइस, लेट्स गो। अब आज से हमारा शुरू होने वाला है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस, बिकॉज अब पूरा जो हमारा लेक्चर होगा या तो आने वाले जितने भी आप लोगों के टर्म्स होंगे या जो भी तुम नया पढ़ोगे गाइस, वो सारा का सारा आप लोगों का यही होगा बेस्ड ऑन सरफेस टेंशन ठीक है। फाइन, 2 मिनट रुको गाइस, जस्ट वेट वेट वेट। Let's begin. अच्छा गाइस सुनो, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है इज कंप्लीट योर सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या है ये आज सारा डिटेल में पढ़ेंगे, सारे डिटेल पढ़ेंगे, एकदम समझ लो इसको, दिमाग में डाल दो ठीक है। देखो इम्पोर्टेंट है सर कॉन्सेप्ट पढ़ना और समझना, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ लिया समझ लिया तो काम हो गया ठीक है। फाइन, अब सरफेस टेंशन क्या है पहले तो ये समझते हैं। ओके, ये सरफेस और टेंशन मतलब एक्चुअली ये इसका मीनिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट गाइस। सरफेस मतलब देखो मैं तुम्हें बताता हूं, मैं हमने अब तक जो पढ़ा ना, तुम लोगों ने क्या पढ़ा अब तक मुझे बताओ। देखो तुम्हारे पास अगर ऐसा कोई लिक्विड का टर्म है, यहाँ तक लिक्विड भरा है, फिर मैंने यहाँ पे कोई स्पेरिकल बॉल वगैरह कुछ डाला है तो वो अंदर गया है, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, उस पर आप थ्रस्ट फोर्स फलाना दिखना, जो भी तुम लोग ने पढ़ लिया है, तुमने ये पढ़ा हुआ है कि जो बॉडी पानी के अंदर होती है तो उसपे क्या क्या प्रॉपर्टी कैसे रिएक्ट करती है, प्रॉपर्टी क्या आती है, ये हमने पढ़ा। लेकिन मतलब वो फ्लूइड, जब कोई भी ऑब्जेक्ट या फ्लूइड के अंदर, फ्लूइड अलग तरीके से काम करेगा, अलग तरीके से बिहेव करेगा, लेकिन फ्लूइड का ऊपर का जो सरफेस होता है ना वो इस कंप्लीटली डिफरेंट बिहेव करता है, समझ रहे हो। ऊपर का जो सरफेस होता है गाइस वो कंप्लीटली डिफरेंट बिहेव कर रहा है, इसलिए ये टॉपिक में सरफेस टेंशन मतलब इसके बारे में बात करने वाले, ये सरफेस के बारे में बात कर, समझ रहे हो गाइस। कॉन्सेप्ट को समझो, दिमाग में डालो, ये ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है गाइस, यही आप लोगों ने समझ के लेना है ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सरफेस टेंशन आप पढ़ने वाला, लिक्विड का सरफेस कौन सा वाला, ऊपर वाला सरफेस ठीक है, लिक्विड का सरफेस के बारे में आप पढ़ने वाले हो, इंपॉर्टेंट है ठीक है। अब मतलब सारी प्रॉपर्टी लिक्विड के जितनी प्रॉपर्टीज वगैरह है वो सारी प्रॉपर्टी लिक्विड के बारे में पढ़ने वाला, मतलब कौन सी सरफेस का ठीक है। सो मतलब ऐसा पढ़ सकते हो, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस के बारे में कंप्लीटली पढ़ने वाला ठीक है। फाइन, अब ये कैसे रिएक्ट करता है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को, तो और समझ में आ जाएगा डिटेल में। समझो इसको, समझ लो पहले, मतलब इसको समझना बहुत जरूरी है, अंडरस्टैंड कर लो इसको अच्छे से, बहुत अंडरस्टैंड कर लो। तो मतलब देखो लिक्विड का ऊपर का सरफेस अलग तरीके से बिहेव करता है, लिक्विड का अंदर का सरफेस अलग तरीके से बिहेव करता है, ये समझ लो पहले। तो हमने अब तक क्या पढ़ा था कि लिक्विड के जो अंदर होता है सरफेस, मतलब अंदर का पार्ट जो है लिक्विड का, वो डिफरेंटली बिहेव करता है। वो अब तक पढ़ते हैं टॉरसिल या बर्नौलिस वगैरह जो भी पढ़ते थे हम वहां से, वो हमने पहले पढ़ लिया। अभी ये वाला जो है वो सरफेस टेंशन मतलब लिक्विड का ऊपर का जो सरफेस होता है वो अलग तरीके से बिहेव करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ धीरे से। ओके समझ लो इसको, बहुत ध्यान समझ लो।
गाइस कोई भी कंटेनर हो या तो नॉर्मल लिक्विड हो, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मैं जैसे लिक्विड ले लो और लिक्विड को आपने को टेबल पे फेंक दिया ऐसे, पानी पर पानी ले लो, तो क्या करेगा पानी? पानी पूरा अगर आपने पानी लिया ठीक है, या तो कोई ग्लास में पकड़ा छोटा सा, कोई कोई भी ऐसे कप पे कुछ में पकड़ लो, पानी डाल दो और उसको ना आपके टेबल पे फ्लो कर दो ऐसे, तो इसके अंदर क्या होने वाला है, ये वाटर का जो सरफेस होता है ना वो ट्राई करता है कि उसको स्क्वीज करना मिनिमम शेप में, मिनिमम शेप में स्क्वीज करना उसको, मतलब दबा देना एक दूसरे को, एक दूसरे को प्रेशर करके एक साथ में लेके आना वो कोशिश करता है, मतलब मिनिमाइज करता है। ऊपर का सरफेस क्या काम करता है कि क्या करना है, उसका एरिया जो है वो क्या करना है, स्क्वीज कर देना है, कम करना है। इस तरीके से आपका ऊपर का सरफेस काम करता है। मतलब बेसिकली अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर यहाँ पे नोट डाउन करूं, दी प्रॉपर्टी, सुना अच्छे से, दी प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस, ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया, मतलब स्क्वीज करता है, मैं और डिटेल बताऊंगा आगे एग्जांपल के साथ ही बताऊंगा, तो स्क्वीज इन मिनिमम सरफेस एरिया, क्या प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड सरफेस टू रिमेन इन मिनिमम सरफेस एरिया, ये हमारा सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, सबको समझा? ओके, अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ तुम्हें लोगों को थोड़ा बताता हूँ, ताकि तुम्हें एकदम एग्जैक्ट समझेगा, मेरी भावनाएं तुम्हें समझ में आएगी। ओके, एक छोटा सा एग्जाम्पल ले ले, धीरे धीरे सब चीजें बताना शुरू करूंगा तुम लोगों को। ओके चलो, एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए स्मॉल लिक्विड ड्रॉप ले लेते हैं, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप पकड़ लेते हैं, समझ लो इसको गाइस, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम हैशटैग डाल देते हैं, ठीक है, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप, ठीक है, हैशटैग स्मॉल लिक्विड ड्रॉप। ओके, द इंपॉर्टेंट थिंग इज ये क्या होता है इसके साथ, स्मॉल लिक्विड ड्रॉप गाइस, आप अगर चेक करोगे तो मुझे आप खुद बताओ कि स्मॉल लिक्विड ड्रॉप की शेप क्या बनती है, मुझे बता दीजिए क्या बनती है, अपना सर्कल, सर्कल स्फेरिकल बनता है, सिलेंडर बनता है क्या, वो सिलेंडर बनता, कोन बनता है, मतलब रेन ड्रॉप का या तो ड्रॉप वाटर ड्रॉप का पकड़ो, रेन ड्रॉप छोड़ दो, वाटर ड्रॉप भी पकड़ लो, वो आपको स्पेरिकल शेप में ही नजर आता है, क्योंकि उसका स्क्वीज, जब भी कोई भी एरिया स्क्वीज होगा ना गाइस, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्पेरिकल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ में आया ये, तो कोई भी शेप, तो मतलब इसका इंपॉर्टेंट, कोई भी लिक्विड है ठीक है, तो उसका स्मॉलेस्ट मिनिमम, मिनिमम स्मॉलेस्ट साइज क्या हो जाती है, उसकी स्फेरिकल शेप में आ जाती है, दैट इज इट्स मिनिमम सरफेस। मतलब सपोज अभी देखो ना, ये देखो, ये आपका वाटर ड्रॉपलेट हो गया और ये इसके लिए मिनिमम शेप है गाइस, मतलब स्फेरिकल शेप जो है उसके लिए मिनिमम सरफेस एरिया, दैट इज स्फीयर, ये उसका मिनिमम सरफेस एरिया है। मिनिमम सरफेस एरिया इज स्पीयर, समझ में आया सब लोगों को? डाउट है तो मुझे प्लीज पूछ लो, एनीवन कुछ पूछना है गाइस तो पूछ लो बिंदास, पक्का इसको मैं आप लोगों को एग्जांपल देके भी आगे समझाऊंगा इसके, आज तो हमें बेसिकली ना बैठ के कॉन्सेप्ट्स तैयार करने हैं, फिर देखें टाइम को डेरिवेशन वगैरह करेंगे, छोटा डेरिवेशन है इसके अंदर, तो पहले कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा लेना है ठीक है, फिर इसके बाद हम धीरे धीरे आगे लेके जाएंगे, मतलब है टॉपिक बड़ा आसान तुम, लेकिन शायद से अगर सी अगर तुम टेक्स्ट को रीड करो तो शायद तुम्हें कहीं ना कहीं डिफिकल्ट जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा, बट मैंने तुम्हें जितना सिंपल लैंग्वेज में तुम्हें समझा सकूं, मैंने एकदम सिंपल लैंग्वेज समझा, तो मैं अभी एग्जांपल के साथ सिखाऊंगा उसको मैं, कि ये जो सरफेस है ऊपर का कैसे ऐसे कैसे बिहेव करता है, मतलब
और स्क्वीज करने की कोशिश करता है, अपने आपको खींचने की कोशिश करता है, वो भी डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो गाइस पहले अच्छे से लिख लो इसको, ठीक है, बुक के अंदर पुट डाउन करो, फिर तुम एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो गाइस, किसी को डाउट है कुछ? एनीवन किसको ने ना? ओके ठीक है, ओके सुना गाइस। तो सरफेस टेंशन किस तरीके से बिहेव करता है वो अभी और डिटेल में समझना शुरुआत करेंगे। हमने अभी ये सीखा है कि भाई अपने आप को मिनिमाइज साइज में करता है, राइट, ऊपर का जो भी सरफेस होगा हमारा। इसको और अच्छे से एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। बहुत सारे लोग गाइस सरफेस टेंशन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो फिर बहुत सारे लोग एस भी डालते हैं। सो एनीथिंग, अगर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में अभी फिलहाल नहीं, टेक्स्ट बुक अगर एस वगैरह पे, तो लास्ट से तो टी था, ठीक है, अभी ये वाले टेक्स्ट बुक में देखी नहीं, बट उसमें अगर एस वगैरह है तो वहां पर फिर एस इस्तेमाल करना है। मैं दोनों ही बता दे रहा हूँ, कुछ टेक्स्ट बुक में टी, कुछ टेक्स्ट बुक में एस है, एनीथिंग विल वर्क। ठीक है, एनीवेज अब इसको ना पहले एग्जांपल समझ लेते हैं। ओके, ध्यान से देखो गाइस, ये अगर सपोज मैंने रिंग पकड़ ली, रिंग, एक रिंग है मेरे पास, पकड़ सकते हो, वायर है, वायर को बेंड करके मैंने रिंग बना ली, शोल्डरिंग करके रिंग बना ली। ठीक है, अब ये रिंग को उठाया मैंने, ठीक है, और इसको ना मैंने सोप, होता है सोप, पता ना, सोप, सोप के अंदर उसको मैंने डुबा दिया ऐसे कर, डुबका, तो सोप में जब डुबा दूंगा तो सोप की क्या होगी, इसके अंदर यहाँ पे फिल्म बन जाएगी ऐसे, समझ में? मतलब ये जो पूरा है हमारे पास, ये जो पूरा है, ये वाला जो पूरा टर्म है वो हमारे पास सोप फिल्म है, ये सबको समझा मैंने क्या किया यहाँ पे? Have you got this guys? मैंने क्या किया, एक वायर ली, ठीक है, बेंड की उसको मैंने, और उसको मैंने, पतली सी वायर है बेंड की, मैंने उसको सोप के सॉल्यूशन में डाल दिया मैंने, तो जब डाला मैंने अंदर, बाहर निकाला मैंने, तो ऊपर सोप का पूरा फिल्म ऐसे जमा हो गई उसके ऊपर। ठीक है, अब क्या करता हूं मैं, ये सोप फिल्म में इधर एक बना कर रख देता हूं, ये एक सोप फिल्म है गाइस, मैंने यहाँ पे ना एक थ्रेड डाल दी, थ्रेड, छोटी सी थ्रेड डाल दी मैंने ऐसे, ये क्या मेरे थ्रेड, सबको समझ आया ना मैंने क्या किया अब तक? सबको समझ रहा है ना, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? ये मैंने रिंग ली, सोप फिल्म डाल दी, ठीक है, ऊपर फिल्म तैयार हो गई सोप की, और ऊपर मैंने डाल दिया उस पर थ्रेड, कोई भी पत्ती से थ्रेड मैंने डाल दिया। फिर मैंने क्या किया, पिन लिया, पिन, और अब पक किया मैंने, क्या क्या है पक, मतलब मैंने उसको फोड़ा यहां से, किधर, थ्रेड के इस पर, तो क्या दिखता है मुझे, फोड़ने के बाद ये थ्रेड जो है ऐसी हो गई है, तो क्रूकेट की थ्रेड ऐसी हो गई है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है गाइस, मैं आप लोगों को डिटेल बताता हूं मैं इसका धीरे धीरे धीरे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, जब हमने पक किया यहाँ पे, तो इसका ये जो पार्ट है क्या हो गया, ओपन हो गया और सर्कल फॉर्म में हो गया। मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है, मैं आपको बता दूं, हर एक वाटर, हर एक जो सोप के फिल्म है वहां पे, वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करे, क्यों, क्योंकि वो सिकुड़ जाए, वो छोटे से अपने एरिया में सिकुड़ जाए, बिकॉज सरफेस का मेन वे, मतलब इसको थ्रेड को इधर से खींचा गया है, ये थ्रेड को इधर से खींचा गया, यहां से खींचा गया, यहां से खींचा गया, यहां से खींचा गया, सब तरीके से खींचा गया इसको, सब तरीके से, क्योंकि सरफेस, मैंने बोला, अलग तरीके से रिएक्ट करती है, समझ में? मतलब ये थ्रेड को रेडियली अपनी तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में खींचा गया, अपनी तरफ, हर एक अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे, सो दैट उनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाए, क्या हो जाए, उनका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाए। ठीक है, सो मतलब यहाँ पे थ्रेड को स्ट्रेच किया गया है गाइस, यहाँ पे थ्रेड स्ट्रेच्ड रेडियली आउटवर्ड, ठीक है, फाइन। इसका मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, लिक्विड सरफेस जो है अपना सरफेस एरिया क्या कर रहा है, मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब मैं आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज सब लोग ध्यान देना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक काम करो, व्हाट यू विल डू गाइस, सबसे पहले तो एक ये लिख लो,
ठीक है, यहाँ पे लिक्विड क्या कर, लिक्विड सरफेस क्या कर, लिक्विड सरफेस क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है एरिया को, लिक्विड सरफेस मिनिमाइज द एरिया। अच्छा, किसको डाउट है गाइस तो मुझे पूछ लो यहां पे, एनीवन हैज अ डाउट प्लीज आस्क, बी फ्री टू आस्क, किसको नहीं है? नहीं सर, अच्छे समझ गए। ओके, तो दोनों भी कॉपी कर सकते हो, अच्छे से नोट डाउन करो, फिर मैं तुम्हें और अच्छे से एक दो एग्जांपल बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा मैं, ठीक है, चीजों का एकदम क्लियर करेंगे हम एंड फिर आगे जाएंगे। चलो लिख लो, ओके गाइस सुनो, लिसन टू वेरी केयरफुल गाइस, मैं आप लोगों को बहुत इंटरेस्टिंगली और एकदम इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो आपको सरफेस टेंशन पर ध्यान देना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल नहीं बट एजस्ट सर बता देते हैं। मान लो एक मेरे पास सेम एक वाटर सरफेस है, रिंग पकड़ लो या कोई भी ऐसा सरफेस है, ऊपर का सरफेस है जिसमें पूरा लिक्विड है, ऊपर का सरफेस में भरा हुआ है, लिक्विड मतलब फिल्म बन गई उसकी पूरी, ठीक है। इसके अंदर मैंने मान लो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की, इमेजिनरी ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है मैंने ऐसा, ठीक है। अब ये इमेजिनरी जो लाइन ड्रॉ की है तो ये साइड का लिक्विड, ये साइड का लिक्विड अपनी तरफ खींचना शुरू करता है, फोर्स अप्लाई करता है, ये वाला साइड का लिक्विड अपनी तरफ लिक्विड खींचना शुरू करता है ये वाला, सो दैट क्योंकि उनका एरिया क्या चाहिए, उनको मिनिमाइज करके चाहिए, मतलब भाई ये वाला करता है कि मैं तुझे अपने तरफ खींचूंगा, ये बोलता है मैं तुझे अपनी तरफ खींचूंगा, जैसे कि इनकी गर्लफ्रेंड ही है, एक दूसरे को खींचने की कोशिश कर रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पकड़ते हैं, ये सबको जो लाइन जो इमेजिनरी लाइन जो मैंने खींची है, इससे हम लेंथ एल पकड़ लेते हैं, ये पूरी लाइन समझ में, तो ये अपनी तरफ खींचता है, ये अपनी तरफ खींचता है, ठीक है। तो हमारे पास सरफेस टेंशन का फॉर्मूला जो आता है, दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है। तो सरफेस टेंशन को टी से भी रिप्रेजेंट करना है तो कर सकते हो, फोर्स एफ होता है और लेंथ एल होती है। इंपॉर्टेंट बात गाइस, ये जो फोर्स है ना, फोर्स ये एक्चुअल लेंथ को देखो परपेंडिकुलर है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन, ऐसा भी बोल सकते हो यू वांट टू, चलो अच्छे से लिखता हूँ मैं तुम्हारे लिए, परपेंडिकुलर लेंथ भी बोल सकते हैं इसको, हम बोलना चाहते हैं तो फोर्स अपॉन लेंथ बोला तभी चलेगा, ठीक है। अब इसकी बात आती है एस आई यूनिट की, ध्यान से देखना गाइस, सबको समझ में आ गया होगा, फोर्स मतलब न्यूटन होता है, लेंथ मतलब होती है मीटर, मतलब न्यूटन पर मीटर आता है, ठीक है। अब ये जो बिहेवियर है, किसका बिहेवियर, जो लिक्विड का बिहेवियर, जो स्क्वीज करने के लिए, तो इन लोगों ने ना थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया, और बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या था मैं तुम लोगों को बताता हूँ मैं, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसा कुछ किया यहाँ पे, ऐसी एक वायर ले ली उन्होंने, ऐसी एक वायर ले ली, और यहाँ पे ना ये मूवेबल है, ये है ना, ये मूव कर सकते, ये मूव हो सकता अंदर बाहर ऐसे हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मान लो सोप की फिल्म है, सोप पकड़ के चलो, ठीक है। सो ये लिक्विड क्या करता है, ये जो लिक्विड है इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, तो दैट उसका एरिया क्या हो जाएगा, स्क्वीज हो जाएगा, छोटा चाहिए ना तो अपनी तरफ वो खींचने की कोशिश करता है ऐसा ना। तो यहां से ये जब मूव हुआ, जब ये स्लाइड हुआ, ये स्लाइडिंग गाइस है, स्लाइड होता है यहाँ, ये स्लाइडिंग, तो अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया उसने। फिर एक एक्सपेरिमेंट और एक किया जिसमें उन्होंने ऐसा उल्टा रख दिया इसको, उल्टा रखा मतलब ऐसा कर दिया उन्होंने, ठीक है, और यहाँ पे बन गई सोप फिल्म। फिर यहाँ पे ना कुछ वेट अटैच कर दिया उन्होंने यहाँ पे, कोई ना कोई, ठीक है। तो फिर भी ये लिक्विड ने क्या किया, अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, मतलब ऊपर की तरफ ऐसे,
ये फोर्स अप्लाई करते हैं। हाँ, अगर इसका वेट ज्यादा है गाइस तो उसका स्लाइड नीचे हो जाएगा, बट कंपेरेटिवली अगर चेक करना है कि भाई ये वेट को भी ऊपर खींच सकता है तो कंपेयर थोड़ा सा कम वेट रखा होगा, तो ये लिक्विड क्या करेगा, ये स्लाइडिंग है ना, तो स्लाइडिंग को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर, क्यों, क्योंकि उसको एरिया क्या चाहिए, स्क्वीज करके चाहिए। तुम लोगों को समझ में आया गाइस, एवरीबॉडीज? यस सर। कुछ कंफ्यूजन है किसी को इसके अंदर? नो सर। नहीं ना, ओके ओके गाइस, देखो ये अच्छे से लिख लो तुम्हारी बुक में, पुल डाउन अ बुक, ठीक है? फिर मैं तुम लोगों को ना एक मस्त दो तीन एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे कि हमारे वाटर का सरफेस टेंशन क्या होता है, मर्क्यूरी क्या होता है, मैं और चीजें बताऊंगा इसके अंदर। हाँ जैसे कि ठीक है चलो ये लिख लो, मैं बताता हूँ बराबर तुम लोगों को, जब एग्जाम्पल की तरफ आऊंगा ना धीरे धीरे बताता जाऊंगा। चलो ओके, ये भी गो गाइस, अब मैं तुम्हें लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, ठीक है? इसको ना समझ लो अच्छे से, प्रॉपर्टी इसको यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड लेते हैं, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड ऐसा कुछ ना देते ना। अच्छा मैं अब तुम सब लोगों को सरफेस टेंशन की कुछ वैल्यूज बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो गाइस, बड़ा मजा आएगा इसको, तुम ध्यान से देखो। ओके मेरी पूरी बात ध्यान सुनना, ये वाटर का जो सरफेस टेंशन की वैल्यू है वो है 0.075 न्यूटन पर मीटर, ये वैल्यू है वाटर की, ठीक है? अब सुनो, अभी ये जो वैल्यू है सरफेस टेंशन की, तो मतलब ये इतने वैल्यू के हिसाब से वाटर के एरिया को क्या कर देता है, स्क्वीज कर लेता है, कम कर देता है, ठीक है? तो मुझे बताओ एक सिंपल लॉजिक हम डिस्कशन करते हैं, तुम्हारे अगर कपड़े पे कुछ गंदा दाग लग गया, मिट्टी का कुछ दाग लग गया, तो तुम अगर सपोज उस पे सादा अपना पानी अगर उस पर डालोगे और घिसोगे तो निकलता है, फिर भी दाग तो रह जाता है वहां पे, क्यों क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वो जो पानी है गाइस, पानी वो पोर्स के अंदर नहीं जा पाता है, समझ रहे हो मैं तुम क्या बता रहा हूँ? पानी क्या होता है, वो पोर्स के अंदर नहीं जा पाता है, क्योंकि क्या करता है पानी, क्या करेगा, जैसे पानी गिरेगा क्या करेगा, अपने एरिया को स्क्वीज करने की कोशिश करके, क्योंकि उसका वो सरफेस टेंशन है, ठीक है? मतलब उसकी प्रॉपर्टी है, वो स्क्वीज करेगा, तो जिस तरह जाता जरूर है इस पोर्स में, लेकिन वो एकदम अंदर से पूरा साफ मिट्टी को साफ नहीं करता है। इसलिए सादे पानी को हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, मतलब उसको सादे पानी को साफ नॉर्मल, हाँ साफ नहीं कर सकते, ठीक है? बट अगर यही सादा वाला पानी के साथ सोप सोल्यूशन अपना, अब ये देखो गाइस, देखो तुम ध्यान से देखो, तो ये इंपॉर्टेंट गाइस सब लोगों को समझना कि ये किस तरीके से भाई बिहेव करता है। अगर ये सोप सोल्यूशन है तो सोप सोल्यूशन की जो हमारे पास सरफेस टेंशन की वैल्यू होती है 0.03 न्यूटन पर मीटर आती है, ठीक है? अब सुनो, सो यहां पे ये 0.03 न्यूटन, जो देखो ये वाले जो वैल्यूज के अंदर सोप भी है और पानी भी है, इसकी वैल्यू अगर चेक करोगे तो इससे कम है, ठीक है? तो ये पानी को क्या करता है, ये पानी को फैलने मजबूर कर देता है, फैला देता है, समझ में? मतलब ये पोर्स में घुसने को अलाउड करता है, उसको घुसा देता है पानी को अंदर और वहां से पूरा साफ करवाता है, समझ में आया ये? मतलब सोप सॉल्यूशन क्या करता है कि पानी को क्या करता है, उसको वो एक्सपांड होने के चांसेस बढ़ा देता है, वो और फैला देता है, स्मूथली फैला देता है वो। सो जो भी डस्ट होगा, डर्ट मटेरियल होगा आपके कपड़े में, वो आराम से पोर्स में घुस के पूरा निकाल के साफ करेगा, समझ में आ रहा है गाइस तुम लोगों को? देखो इसके सरफेस टेंशन ज्यादा है तो वो स्क्वीज करेगा और एरिया, इसका देखो बहुत कम है ऐसे कंपैरिजन में, राइट? तो मतलब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये उसको फैलने मजबूर करेगा। तुम लोगों को समझ में आ रहा है गाइस? एनीवन सपोज कंफ्यूजन है, ओके अभी आप और एक में बताता हूं मैं, आप सब लोग सोच रहे हॉट वाटर से भी तो धोते हैं
हॉट वाटर से भी तो धोते हैं तो उससे भी तो साफ हो जाता है हमारा। करेक्ट है ये, करेक्ट है, क्योंकि हॉट वाटर में क्या होता है, जब भी आप पानी को बॉइल करते हो तो पानी क्या होता है, एक्सपांड होता है, बराबर ना, क्या होता है, पानी एक्सपांड होता है, तो उसका सर्फेस एरिया क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, एक्सपांड, क्योंकि टेम्परेचर, जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है गाइस तो उसका सर्फेस एरिया बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है, तो मतलब इसके अंदर आपका सर हाँ आपका सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो मान लो सरफेस टेंशन जो है, मैं ऐसा लिख देता हूं, मैं सरफेस टेंशन ऐसा लिख देता हूं, मैं वो हो जाता है कम आपका, बराबर, टेम्परेचर बढ़ा, पानी एक्सपांड होगा, एरिया बढ़ गया, सरफेस टेंशन कम हो गया, खत्म। सरफेस टेंशन मतलब क्या होता है, वो एरिया को स्वीज करता है, हॉट वाटर क्या करेगा, हीट करने का, एक्सपांड हो जाएगा, एरिया बड़ा हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ गया है, एरिया बढ़ गया तो सरफेस टेंशन थोड़ा से कम हो जाएगा, तो उससे भी आप साफ कर सकते। आया ध्यान में सब लोगों को, ठीक है, ओके, नेक्स्ट वाला एक करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सबने देखा होगा, राइट, मर्क्यूरी को आप जब ड्रॉप करोगे, जब फेंकोगे सरफेस पे, तो गाइस इतना ब्यूटीफुल शेप उसका स्फेरिकल आ जाता है, देखो ना, सब अपना अपने आप को स्फेरिकल शेप में ठप 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 सब को स्फेरिकल शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका सरफेस टेंशन की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, दैट इज 0.4 होता है, देखो ज्यादा है, न्यूटन पर मीटर होता है, सबको समझ में, मतलब ये लॉजिक समझ में आया कि आप लोगों को वैल्यूज क्यों दिए, बिकॉज आपको समझेगा क्या वो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको समझ में आया है गाइस? यस सर, एकदम फिट बैठा है दिमाग में अच्छे से पूरा कंप्लीटली, कुछ डाउट ना किसी को भी, ओके, पर कुछ होगा डॉट तो प्लीज पूछ लो गाइस, बी फ्री टू आस्क, डोंट वरी, आई विल आंसर यू, ठीक है, चलो गाइस सब लोग प्लीज अच्छे से कॉपी कर लो, ठीक है, और मतलब समझ में आया ना, देखो सोप क्या करेगा, पानी को उसका एरिया बढ़ा देगा पानी का, ठीक है, जैसे एरिया बढ़ाएगा तो उसका सरफेस टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है, फिर हम आराम से उसको कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते, हॉट वाटर भी क्या करता है, एक्सपांड कर देता है, ठीक है, देखो गाइस ये बहुत आसान है, मतलब सरफेस टेंशन इतना डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, लोग जब पढ़ते हैं तो उसको समझ में नहीं आता, बिकॉज उनके बेसिकली सरफेस टेंशन का लॉजिक ही क्लियर नहीं हो गया, इसलिए उनको नहीं समझ पाता है वो टॉपिक, तो इट इज सिंपल, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अच्छा मुझे बताओ, अब तक जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं टॉरसल वॉल, उसमें किसी को डाउट आया है क्या, आपका किसी को भी कुछ समझा नहीं है या तो कुछ ऐसा कुछ हुआ है गाइस, वेंचुरी मीटर वगैरह जो सब लोग को डाला है, एनीवन पूछ सकता है? नहीं सर।